हेलो स्टूडेंट्स, आज नेगोशिएशन स्किल पर इंटीग्रेटिव और इंटरेस्ट बेस्ड बार्गेनिंग जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस टॉपिक पर डिस्कशन होगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट अंडर द नेगोशिएशन स्किल। इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग ये दो वर्ड को लेकर के बना हुआ है, एक इंटीग्रेटिव और दूसरा बार्गेनिंग। अगर हम सिर्फ बार्गेनिंग वर्ड को समझते हैं तो बार्गेनिंग वर्ड का मतलब रहेगा हम और नॉन ऑफिशियल इसको यूज कर सकते हैं। जैसे आपने सड़क किनारे खड़े हुए सेलर और परचेजर्स के बीच में होने वाले कम्युनिकेशन को देखा हो, या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि किसी एक का प्राइस 100 रुपीज सेलर ने बताया और एज ए परचेजर आप उसको 60 रुपीज से स्टार्ट करते हो, तो ये बार्गेनिंग का पार्ट है। कहीं जा करके 80 रुपीज के आसपास सेटलमेंट हो जाता है, दिस इज द बार्गेनिंग। जब हम नेगोशिएशन स्किल की बात कर रहे हैं ऑफिशियल टर्म में, तब हम बार्गेनिंग से बढ़ करके बात करने जा रहे हैं, और ये इसका एक स्पेशल आस्पेक्ट है इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग को और भी नेम्स हम लोग जानते हैं, इंटरेस्ट बेस्ड बार्गेनिंग, बार्गेनिंग जैसा मैंने आपको बताई दिया, इंटीग्रेटिव और आसान वर्ड है इंटरेस्ट बेस्ड बार्गेनिंग। ये इंटीग्रेटिव का आसान लैंग्वेज हो गया इंटरेस्ट बेस्ड। इंटरेस्ट बेस्ड में अगर दो पार्टी हैं, एक परचेजर है और एक सेलर है, तो हम नेगोशिएशन करके ऐसे रिजल्ट पे पहुंचे जहां पे परचेजर के भी कंपोनेंट फॉलो कर लिए जाएं और सेलर के भी पॉइंट्स को कंसीडर कर लिया जाए। आप कहेंगे सर इसका मतलब है तो क्या दोनों विन विन सिचुएशन भी रहेंगे? यस, इसका एक अनदर नेम भी है विन विन बार्गेनिंग। तो क्वेश्चन आपका इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग के नेम से आ सकता है, इंटरेस्ट बेस्ड बार्गेनिंग भी हो सकता है, विन विन बार्गेनिंग भी हो सकता है। इसका मतलब है कि दोनों पार्टीज की जो सिचुएशन है वो विन विन रहेगी और डिस्प्यूट में दोनों को ही थोड़ा थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इसका पॉइंट आप एक ऐसे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि जिसमें दोनों पॉइंट कवर अप हो सके। तो सर दोनों पॉइंट कवर अप होने पे आप ये कह सकते हैं कि दोनों के नीड्स हो, दोनों के फियर को कंसीडर किया जाए, रीजन को कंसीडर किया जाए, और कुछ पॉइंट्स परचेजर के लिए लिए जाएं और कुछ पॉइंट सेलर के लिए लिए जाएं, और एक ड्राफ्टिंग कर दी जाए दोनों के बीच की, मतलब परचेजर क्या चाहता है, सेलर क्या चाहता है, अगर हम दो पार्टी की बात करें, और इन दो पार्टी में से कुछ के हम और कुछ के इनके पॉइंट को ले लें और इन दोनों को ले करके एक ड्राफ्टिंग कर दें, और यही ड्राफ्ट हमारे लिए इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग का रिजल्ट हो जाएगा। ये इतना आसान नहीं जितना आपको लग रहा है, बात समझिएगा। ऐसे तो सिंपल सेंस में काम किया जा सकता है, मगर ऑफिशियल वे में जब हमें इस टूल को लगाना है तो इस टेक्निक को बेहतर ढंग से एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको बताते हैं, जो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। फिर इसके बाद हम लोग आएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन के ऊपर भी। तो देखिए एग्जाम्पल जो है यहाँ पर दे रखा है, मैं इसी एग्जाम्पल को पहले आपको समझाता हूँ ताकि ईजी लगने लगे क्या होगा। और ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इंटरेस्ट बेस्ड बार्गेनिंग का, जहां पर कंसीडर किया जाएगा किन चीजों को, उनको देखिए, ज्वाइंट वैल्यूज को, दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। सर ज्वाइंट वैल्यू क्या है? देखो ये जो एग्जाम्पल है ये एक ऑरेंज को लेकर के, यहाँ पर टू सिस्टर है, एक सिस्टर वन रख लीजिए, क्या लिखा है बस उसी को ही मैं आपको समझा दे रहा हूँ। टू सिस्टर्स हैं और इन दोनों ही सिस्टर के बीच में जो लड़ाई हो रही है वो एक ऑरेंज की हो रही है। सिस्टर वन भी चाहती है कि उसको ऑरेंज मिले और सिस्टर टू भी चाह रही है कि उसको ऑरेंज मिले। इन दोनों के बीच में ऐसा रास्ता निकालना है कि दोनों को ऑरेंज मिल जाए। तो आप बहुत ही इजी कहेंगे सर ये तो बहुत ही आसान है, ऑरेंज को 20 से कट कर दीजिए और हाफ ऑरेंज जो है वो सिस्टर वन को दे दीजिए और हाफ ऑरेंज जो है वो सिस्टर टू को दे दीजिए। ऐसा ही इस एग्जाम्पल में किया गया है और ये काम इसकी मदर ने किया है, और इजिली
और बहुत ही इजी वे से आप कह सकते हैं कि दोनों के इंटरेस्ट का ध्यान रखा गया, दोनों को ऑरेंज चाहिए था और दोनों को ऑरेंज हाफ हाफ करके दे दिया गया, मदर ने एज ए मीडिएटर रोल प्ले कर दिया। कितना आसान था ये, मगर बेटा ये ऐसा है नहीं इतना आसान। यहाँ पर जो नेगोशिएशन स्किल पे बात हो रही इंटरेस्ट बेस्ड की, उसको समझिएगा, इंटीग्रेटिव सॉल्यूशन क्या कहते हैं। इंटीग्रेटिव सॉल्यूशन ये कह रहा है कि मदर को हाफ हाफ करने की जगह पर अगर मदर इस पूरी सिचुएशन के इंटरेस्ट को समझती, मींस जो सिस्टर वन है, दो सिस्टर में S1 और S2 ले रहे हैं, इनके इंटरेस्ट को देखती कि इसका इंटरेस्ट क्या है और इसका इंटरेस्ट क्या है। मानिए कि S1 का इंटरेस्ट जो है वो उस ऑरेंज के लिए पूरा ना हो करके वो उस ऑरेंज का जो गूदा होता है उसको खाना चाहती है, मतलब जो मीट होता है उसके अंदर के लिए मटेरियल होगा उसको खाना चाह रही। देखिए सर्किल कर रहा हूं, ये एक सिस्टर खाना चाह रही है और दूसरी सिस्टर का जो मतलब हो सकता है कि वो उसके छिलके को यूज कर ले या उसका कोई अदर पार्ट है वो यूज कर ले, तो उसका इंटरेस्ट अलग अलग है। यहाँ पर जरूरी हो जाता है कि मदर दोनों पार्टियों का, दोनों सिस्टर का इंटरेस्ट जान ले। अब देखिए कितना इजी हो गया, अगर मदर इंटरेस्ट को जान ले कि क्या है, तो उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जिसको इसका मीट चाहिए उसको वो क्या दे दे, ऑरेंज का मीट दे दे, क्योंकि उसको उसी को ही ईट करना है, जब बल्कि इसके लिए उसके और पार्ट्स का कोई मतलब नहीं बनता। जब बल्कि जो सिस्टर टू है वो उसके पील को यूज करना चाहती हैं, या अगर मान लीजिए छिलके का भी किसी तरीके का पार्ट है उसको यूज करना चाह रही है, और भी पार्ट है अगर यूज करना चाह रही, तो उसको सिर्फ इंटरेस्ट इसी बात से है। तो मदर का जो मीडिएटर का रोल है, उसने पहले वाले केस में आपको बताया कि ऑरेंज को आधा आधा करके दे दिया, तो इससे दोनों कुछ कुछ सेटिस्फाई होंगे, फुल्ली सेटिस्फाई नहीं होंगे। और अगर यही जगह पे मदर दोनों के इंटरेस्ट को अगर पहले समझ लेती और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर डिवीजन कर दिया जाता, तो दोनों पार्टीज फुल्ली सेटिस्फाई हो जाती और दोनों विन विन सिचुएशन में आ जाते। इसी एग्जाम्पल को यहाँ पर लिखा गया है, एग्जाम्पल ऑफ इंटरेस्ट बेस्ड बार्गेनिंग एंड क्रिएटिंग ज्वाइंट वैल्यू इज दैट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन टू लिटिल गर्ल्स ओवर ए ऑरेंज, बोथ गर्ल्स टेक ए पोजिशन दैट दे वॉन्ट द होल ऑरेंज, और मदर ने दोनों को हाफ हाफ कर दिया। यही बात मैंने आपको यहाँ पे समझा दी। तो समरी में कहने का मतलब ये है कि ये डिवीजन मॉडरेट फॉर्म में होगा, और मॉडरेट फॉर्म जो स्टार्ट होगा वो ऐसे ही नहीं कि दोनों को हाफ हाफ कर दे, उसके कुछ स्टेप्स भी रहेंगे। तो इसके लिए एज ए मदर अगर उन्होंने पहला काम किया होता, सर फर्स्ट काम क्या, आइडेंटिफाई इंटरेस्ट, अगर आइडेंटिफाई इंटरेस्ट कर लिया होता तो ये टेक्निकल टर्म का प्रॉपर यूज होता, हाफ हाफ संतरा ऑरेंज बांट देना कोई टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं रहा, क्योंकि दोनों को फुल इंटरेस्ट नहीं मिला। तो फुल्ली सेटिस्फेक्शन के लिए जरूरी है कि दोनों पार्टियों का इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करें, यही यहाँ पर लिखा है। मैंने आपको इसका ऑलरेडी नोट्स भी दे रखा है, कमेंट पे आप देख लीजिएगा, कुछ और चाहिए हो तो आप बताइएगा। आइडेंटिफाई इंटरेस्ट में इसी पॉइंट को लिखा कि आइडेंटिफाई किया गया इंटरेस्ट को। अब ये इंटरेस्ट अलग अलग तरीके से भी हो सकता है, अलग अलग तरीके का मतलब देखिए कि किसी की नीड क्या है, उसकी होप क्या है, उसके फियर्स क्या है, डिजायर क्या है। तो जो भी एज ए मीडिएटर रोल करने जा रहा हो तो वो पहचाने इन चीजों को, अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल को इंक्रीज करे, आफ्टर देन साथ ही साथ में ऑप्शन भी क्रिएट करता चले। ऑप्शन क्रिएट करने का मतलब कि जब दोनों को इंटरेस्ट को रिकग्नाइज कर लिया, तो उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग दोनों के सामने ऑप्शन रखे, और दोनों सिस्टर, जैसे यहाँ पे हमारी पार्टी सिस्टर वन सिस्टर टू थी, वो दोनों अपनी मर्जी से अपने ऑप्शन को चूज करें और दोनों ही फुल्ली सेटिस्फाई हो जाएंगे। ऐसी कंडीशन में ना कोई किसी का लॉस होगा और ना कोई प्योर विन विन पोजीशन पे होगा। अब देखिए एक ही पॉइंट से मेरी दोनों बातें यहाँ पर निकल करके आ रही है। मैंने कहा था शुरू में कि डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग को भी हम लोग यहाँ पे कवर अप कर लेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग जो है वो इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग का एकदम अपोजिट ही पार्ट रहता है,
अपोजिट पार्ट रहने का मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग में एक बंदा पूरा विन विन सिचुएशन में होगा, जब बल्कि इंटीग्रेटिव में जो अभी एग्जाम्पल लिया, दोनों पर्सन जो हैं वो विन विन सिचुएशन में होंगे और दोनों के इंटरेस्ट को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। दिस इज द मेजर डिफरेंस। वापस आते हैं इंटीग्रेटिव पर। तो जैसे ही आप ऑप्शन चूज करके एक सिस्टर के सामने रखते हो उसका इंटरेस्ट जानने के बाद में, तो वो नो डाउट डायरेक्टली उस पे जो मीट दे रखा था या फिर जो उसका पार्ट था उसको चूज कर लेगी और इस तरीके से दोनों विन विन सिचुएशन में फुली सेटिस्फाई हो जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग में डिफरेंस हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग में दोनों के बीच में क्लियर कट डिवीजन हो जाएगा, एक लूज की पोजीशन पे भी आ सकता है और एक विन पे तो रहेगा ही रहेगा। आफ्टर देन जब आपको आंसर लिखना हो तो मैं ये कहना आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग क्या है ये एक्सप्लेन करिए, इसके एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर लीजिए, साथ में अगर जरूरी हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग का थोड़ा सा पार्ट लीजिए और करेक्टरिस्टिक्स को तो जरूर जरूर चूज कर लीजिए। आंसर को ये ग्रेविटी और क्वालिटी प्रोड्यूस करेगा। करेक्टरिस्टिक्स अभी बताया इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन के लिए कि ये एक मॉडर्नाइज पॉइंट है, तो इसके लिए हमें ध्यान देना है। एज ए प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब रहेगा कि दोनों पार्टियों को मिलकर काम करना है, एक साथ काम करना होगा, उसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है, ज्वाइंटली वर्क टूवर्ड गोल दैट आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब कि किसी एक पार्टी के लिए टोटली यस है और दूसरी पार्टी के लिए नो है, ऐसा तो इंटीग्रेटिव में होता ही नहीं। और स्टेप वाइज इसमें हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, पार्टियां इन्वॉल्व थी और म्यूचुअल एग्रीमेंट रहता है दोनों के मैक्सिमम बेनिफिट के लिए। सिस्टर वन को ऑरेंज का एक पार्ट चाहिए था, दूसरे को दूसरा पार्ट चाहिए था, तो दोनों को नाराजगी भी नहीं होगी। सर आप ये बता दीजिए कि नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है, ये बच्चों के मन में काफी बात आ रही होगी। तो देखिए नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब इस जगह यही पर है कि सिस्टर वन ने जब ऑरेंज के अंदर का जो मीट वाला पोर्शन है उसको ले लिया और बाकी पोर्शन सिस्टर टू को अगर दिया जा रहा है तो कोई दिक्कत उसको नहीं है, फुल्ली एग्री, क्योंकि उसका इंटरेस्ट भी रिमेनिंग पार्ट पे नहीं था। ऐसी कंडीशन में दूसरे के लिए जो छोड़ दिया गया वहां पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वर्ड यूज करते हैं। अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ये रहती है इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन के लिए कि जो इसके एस्पेक्ट्स हैं, दोनों पार्टीज हैं उनको क्या ध्यान देना होगा उसको भी समझ ले। यहाँ पर लॉन्ग रन और शॉर्ट रन दोनों देखेंगे, आप लॉन्ग रन पे भी ध्यान देंगे और शॉर्ट रन पे भी ध्यान देंगे। मोस्टली क्या होता है कि जिस समय इसका सॉल्यूशन किया जाता है तो सभी लोग शॉर्ट रन के साथ खड़े होते हैं, लॉन्ग रन को कंसिडर नहीं करते, मगर लॉन्ग रन पे भी दोनों पार्टीज इंगेज है, नेगोशिएशन रहेगा, लॉन्ग टर्म रिलेशन जो डेवलप होंगे उनकी बात करी जाती है और इसका बेनिफिट दोनों पार्टीज को बता करके ही देना चाहिए, ताकि कई जगह पर पार्टी वन जो है वो पार्टी टू को इग्नोर कर देती है शॉर्ट रन के लिए, मगर अगर पता चल जाए कि पार्टी वन को कि लॉन्ग रन में पार्टी टू भी हमारे काम आ सकती है, तो करंट में किसी ना किसी जगह ये लोग कंप्रोमाइज भी कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि क्लास आज इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, जो कि नेगोशिएशन स्किल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है।